बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गाइस हम 9th क्लास का मैथ कर रहे हैं, तो आज हम इसमें एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। उनको छोटी से छोटी फॉर्म में हमने चेंज करना है, रिड्यूस करना है। ये पहली बड़ी फॉर्म है, इसकी शक्ल है जिसकी, तो इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस हैं ये, टू द लोएस्ट फॉर्म। तो ये चलते हैं, ये पार्ट वन है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट वन। 120 एक्स स्क्र इंटू वाई स्क्र इंटू जी स्क्र जी की पावर 5 वाई की पावर 3 ओवर 30 इंटू एक्स क्यूब वाई इंटू जी स्क्र। ये हमारे पास सुने, इसका पहला पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है, रिड्यूस करना है। सोल्यूशन आ गया, इसको एज इट इज इस तरीके से लिख लिया, 120 एक्स स्क्र वाई क्यूब जी पावर 5 ओवर 30 एक्स क्यूब वाई जी स्क्र। तो सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं इनको रिड्यूस करें, डिवाइड करने की कोशिश करें इस तरीके से कि एक दूसरे के साथ ये डिवाइड हो जाए, कैंसिल हो जाए। और यहाँ पे हमने ये ख्याल रखना है कि जो छोटी पावर्स हैं या एक सेम वाली यानी वेरिएबल जो है ना उसकी बेस एक ही हो, उनको आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये चलते, ये हमारे पास 120 है, इसको अगर हम ये 30 के हिसाब से थोड़े दो इसको पोर्शन करें तो ये 30 इंटू 4 120 बनता है, 30 इंटू 4 ये हो गया। अब यहाँ पे हमने एक ये एक्स है, ये यहाँ पे भी एक्स है, इनको हमने एक दूसरे से माइनस करना है, ठीक है, ताकि रिड्यूस हो जाएंगे। और ये इसमें ये ख्याल रखना है कि जिस साइड पे बड़ी पावर होगी उस साइड पे उसको लेके जाएं, यानी जैसे ये 3 की पावर बड़ी नीचे है, ये ऊपर 2 है छोटी है, तो इसलिए छोटी वाली को मूव करना है, बड़ी वाली को मूव नहीं करना है, क्योंकि उसको बड़ी वाली माइनस हो जाएगी तो उसको फिर हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आपने जो छोटी वाली पावर है उसको मूव करना है, अगर नीचे है तो ऊपर लेके जाएं, ऊपर है तो नीचे लेके जाएं। तो इसमें हमने ये देखें, ये एक्स की पावर 2 है, ये 3 है, तो ये छोटी है, इसको नीचे लेके गए। इसी तरह ये वाई की पावर 3 है, ये बड़ी है, ये वाई की पावर 1 है, ये छोटी है, इसको ऊपर लेके जाएंगे। इसी तरह ये जी की पावर 5 ऊपर है, जी की पावर 2 नीचे है, ये छोटी पावर है, इसको ऊपर लेके जाएंगे। इस तरीके से हमने इनको चेंज करना है, क्योंकि हमने इसको किसी जगह पे भी पावर नेगेटिव नहीं रखना बल्कि पॉजिटिव ही रखना है। तो देखें, इसको हम एक्स को नीचे ले गए और वाई ऊपर आएगा, वाई क्यूब इंटू जे नीचे से वाई ले गए, माइनस 1 होगी इसकी पावर। इसी तरह जी की पावर 5 ऊपर है पहले, इसको नीचे से ऊपर ले गए तो ये जी की पावर माइनस 2 होगी। और ये जो है 30 नीचे आ गए, और ये एक्स की पावर 3 है, और ये ऊपर से नीचे आ गए, एक्स की पावर माइनस 2 होगी। नेक्स्ट आ जाएगा, एक तो ये 30 के साथ ये 30 कैंसिल हो गया, ये 30 के साथ ये 30 कैंसिल हो गया, और दूसरा ये है कि बेस एक जैसे है तो उनकी पावर्स ऐड कर लें, ये वाई है तो ये 3 माइनस 1 हो गया। इसी तरह ये जी है, इनकी पावर 5 माइनस 2 हो गई, और ये नीचे एक्स 3 माइनस 2 हो गया। तो अब ये यहाँ से 4 बच गया इस साइड पे, और ये 2 वाई की पावर 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 होगी, और ये 5 माइनस 2 जी की पावर 3 होगी, और ये इस तरीके से एक्स की पावर 3 माइनस 2 1 होगी। तो इसमें कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है, तो ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म हो गई। मजीद इसको हम कुछ नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर हो गया। तो इसमें जो बेसिक आपने चीज़ें याद रखनी है वो यही है कि वेरिएबल को ऊपर से नीचे लेके जाना या नीचे से ऊपर लेके जाना है, तो उसको लेके जाएं जो छोटी पावर हो, बड़ी पावर वाले को वहीं रहने दें, उसको ऊपर नीचे ना करें, बल्कि जो छोटी पावर है सेम वेरिएबल की उसके पास लेके जाएं, बड़ी के पास। नेक्स्ट आ जाता है, दूसरा पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। 8 ए इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1।
सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, इसको एज इट इज एक दफ़ा लिख लिया क्वेश्चन को, 8a इंटू एक्स प्लस वन ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसको हमने अपने नज़दीक रखना होता है ताकि इसी से आगे प्रोसीड करेंगे। अब इसको 8 को हमने तोड़ के रख लिया ताकि इसको इसके साथ कैंसिल करना है, तो इसको छोटे पार्ट कर दिया, फैक्टर बना लिए। तो इसका फैक्टर बनाया 2 4 8 इंटू ए एक्स प्लस वन, ये 2 आ गया। उसी तरीके से अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हमारे पास है फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार हमने इसको प्लस लिखना है, एक बार माइनस, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसी तरीके से हमने ये एक्स का स्क्वायर है, ये वन का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो एक दफ़ा हमने एक्स माइनस वन लिखा, एक दफ़ा एक्स प्लस वन। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, पहले का स्क्वायर अगर ये दूसरे का स्क्वायर वन का स्क्वायर। तो एक बार इसको पॉजिटिव करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके, पहले यानी एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। नेक्स्ट आ जाता है ये एक्स प्लस वन के साथ, ये एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, इसके साथ ये डिवाइड हो गया, यानी ऊपर है ये कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया, और ये टू के साथ ये टू कैंसिल हो गया, यानी अब इसको देखेंगे कि ये टू के साथ ये टू कैंसिल हो गया। तो अब बच गया 4a, ऊपर 4a बच गया और नीचे जो है ये x माइनस वन बच गया। तो मज़ीद इसकी डिवीजन नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर इसको यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3, एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4xy ओवर एक्स माइनस वाई स्क्वेयर। सोल्यूशन इसका आ गया, पहली दफ़े इसको एज इट इज लिख लिया, एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4xy ओवर एक्स माइनस वाई स्क्वेयर। अब इसको हम खोल देंगे, इसका स्क्वेयर खोलेंगे, स्क्वेयर लिखे इसका, पहले का स्क्वेयर जैसे जो हमने आपको बताया हुआ ए प्लस बी का स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो गया माइनस, ये आगे आ गया 4xy। और नीचे जो है इसको खोल दिया, ये माइनस का स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2xy। अब ऊपर देखें, ये हमारे पास ये तो है आगे, ये 4xy है, ये 2xy है, तो इसमें 4 से माइनस 2 ये निकल गया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ऊपर आ गया और नीचे ये माइनस 2xy। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ये इसके साथ दोनों सेम है, तो इसके ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर जो है 1 आ गया। यहाँ आंसर लिख देंगे, तो ये आपको फार्मूले अलहदा वीडियो में हमने दिए हुए, उसको याद रखें आप, क्योंकि ये हर जगह पे फार्मूले इस्तेमाल होने हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छी बात, शेयर करना सदका जारिया है, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। उनको छोटी से छोटी फॉर्म में हमने चेंज करना है, रिड्यूस करना है। ये पहली बड़ी फॉर्म है, इसकी शक्ल है जिसकी, तो इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस हैं ये टू द लोएस्ट फॉर्म। तो ये चलते हैं, ये पार्ट वन है, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट वन। 120 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर जी की पावर 5 वाई की पावर 3 ओवर 30 इंटू एक्स क्यूब वाई इंटू जी स्क्वायर। ये हमारे पास सुने, इसका पहला पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है, रिड्यूस करना है। सोल्यूशन आ गया, इसको एज इट इज इस तरीके से लिख लिया, 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी पावर 5 ओवर
थर्टी एक्स क्यूब वाई जी स्क्वायर। तो सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं इनको रिड्यूस करें, डिवाइड करने की कोशिश करें इस तरीके से कि एक दूसरे के साथ ये डिवाइड हो जाए, कैंसिल हो जाए। और यहाँ पे हमने ये ख्याल रखना है कि जो छोटी पावर्स हैं या एक सेम वाली यानी वेरिएबल जो है ना उसके बेस एक ही हो, उनको आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये चलते ये हमारे पास 120 है, इसको अगर हम ये 30 के हिसाब से तोड़ें, दो इसको पोर्शन करें, तो ये 30 इंटू 4 120 बनता है, 30 इंटू 4 ये हो गया। अब यहाँ पे हमने एक ये एक्स है, ये यहाँ पे भी एक्स है, इनको हमने एक दूसरे से माइनस करना है, ठीक है, ताकि रिड्यूस हो जाएंगे। और ये इसमें ये ख्याल रखना है कि जिस साइड पे बड़ी पावर होगी उस साइड पे उसको लेके जाएं, यानी जैसे ये 3 की पावर बड़ी नीचे है, ये ऊपर 2 है छोटी है, तो इसलिए छोटी वाली को मूव करना है, बड़ी वाली को मूव नहीं करना है, क्योंकि उसको बड़ी वाली माइनस हो जाएगी तो उसको फिर हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आपने जो छोटी वाली पावर है उसको मूव करना है, अगर नीचे है तो ऊपर लेके जाएं, ऊपर है तो नीचे लेके जाएं। तो इसमें हमने ये देखें, ये एक्स की पावर 2 है, ये 3 है, तो ये छोटी है, इसको नीचे लेके गए। इसी तरह ये वाई की पावर 3 है, ये बड़ी है, ये वाई की पावर ये 1 है, ये छोटी है, इसको ऊपर लेके जाएंगे। इसी तरह ये जी की पावर 5 ऊपर है, जी की पावर 2 नीचे है, ये छोटी पावर है, इसको ऊपर लेके जाएंगे। इस तरीके से हमने इनको चेंज करना है, क्योंकि हमने इसको किसी जगह पे भी पावर नेगेटिव नहीं रखना बल्कि पॉजिटिव ही रखना है। तो देखें इसको हम एक्स को नीचे ले गए और वाई ऊपर आएगा, वाई क्यूब इंटू जे नीचे से वाई ले गए, माइनस 1 होगी इसकी पावर। इसी तरह जी की पावर 5 ऊपर है पहले, इसको नीचे से ऊपर ले गए तो ये जी की पावर माइनस 2 होगी। और ये जो है 30 नीचे आ गए, और ये एक्स की पावर 3 है, और ये ऊपर से नीचे आ गए, एक्स की पावर माइनस 2 हो गई। नेक्स्ट आ जाएगा, एक तो ये 30 के साथ ये 30 कैंसिल हो गया, ये 30 के साथ ये 30 कैंसिल हो गया, और दूसरा ये है कि बेस एक जैसे हैं तो उनकी पावर्स ऐड कर लें, ये वाई है तो ये 3 माइनस 1 हो गया। इसी तरह ये जी है, इनकी पावर 5 माइनस 2 हो गई, और ये नीचे एक्स 3 माइनस 2 हो गया। तो अब ये यहाँ से 4 बच गया इस साइड पे, और ये 2 वाई की पावर 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 होगी, और ये 5 माइनस 2 जी की पावर 3 होगी, और ये इस तरीके से एक्स की पावर 3 माइनस 2 1 होगी। तो इसमें कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है, तो ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म होगी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।